हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम क्लासी सांडपुर चैनल पर। दोस्तों, मैं संजीव तोमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। और आपके लिए काम और समय की आज छठी क्लास लेकर आया हूँ। आज की जो चैप्टर, ये यानी क्लास है, ये काम समय चैप्टर्स हैं और ये यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे जो इस पर यानी इसी चैप्टर की बेसिक क्लास बनाई है दोस्तों, तीन, यानी एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। प्लीज़ पहले बेसिक क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर देखना, क्योंकि आप जिसके बाद आप इजीली समझ सकते हो उन बेसिक क्लास को देखने के बाद। और ये बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि बेसिक जैसे ही आपका अच्छा रहेगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। और ये चार्ट बनाया गया है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में 12th किया, और इस यानी ये जो चैप्टर हमने किया है इस चैप्टर के इस यानी जो सॉरी ये जो डिपार्टमेंट दिखाए गए और ये चैप्टर है वर्क एंड टाइम, इन सभी डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बात भी आपकी पूरी हुई। शुरुआत करते हैं आज के विचार से। आज का विचार क्या है दोस्तों, तो जिंदगी एक नए अंदाज में आ रहा हूँ, जिंदगी एक नए अंदाज में आ रहा हूँ, इस बार दुनिया को नहीं खुद को वक्त दें। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सारे काम जरूरी बेवजह के काम छोड़ने के बाद इस बार सिर्फ अपने आप को वक्त दिया जाएगा, जो मेन है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है दोस्तों कि हमें सबसे ज़्यादा समय खुद को ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। खैर दोस्तों, आओ इसी विचार के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या कहा, 10 आदमी 2 घंटे में 15 पेड़ काट सकते हैं। तो कहा यह गया आपको 10 आदमी 2 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं, 15, यानी काम किया उन्होंने 15 पेड़ काटने का। 2 व्यक्ति काम छोड़ दें तो 3 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे, तो जैसा कहा गया वैसा कर लेते हैं। 2 व्यक्ति काम छोड़ दें, है ना, तो अब बताना है 3 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे। तो सही है, तो 3 घंटे में देखना है, यानी अब आदमी 2 व्यक्ति काम छोड़ दे तो आदमी कितने बचे, 8, और 3 घंटे में चेक करना। ठीक है, मान लिया इसमें पेड़ कितने कटे, यानी बस एक्स, बस ठीक है और क्या। तो काट दीजिए दोस्तों, इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मिनट, पेड़ थे ना ये एक्स, क्या थे ये एक्स पेड़, सॉरी यहाँ की बजाय ना, यहाँ की बजाय, 1 मिनट दोस्तों मिस हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कहा, 10 व्यक्ति 2 दिन में 15 पेड़ काट सकते हैं, 2 व्यक्ति काम छोड़ दे यानी 8 बजे, तो 3 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 10 गुना 2 बराबर कितना, और एक्स भी बचा हुआ दोस्तों, ये 8 गुना 3 गुना 15 है, इससे तो मिला ये 4, 10, ये 2, ये 5, इससे और काट दिया 2, 3 की गुना कर 10, 30, तो कितने यानी, अच्छा 3 था दोस्तों 3, तो 18 पेड़ मिले। कितने मिले, 18 पेड़ आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 4 दिन में 4 इकाई काम पूरा करते हैं। सही है, 4 व्यक्ति
चार घंटे काम करके चार दिन में चार इकाई काम पूरा करते हैं, तो दो व्यक्ति प्रतिदिन काम करके दो दिन में कितना इकाई कार्य पूरा करेंगे? तो ठीक है दोस्तों, अच्छा दो व्यक्ति भी छोटा हुआ, ठीक है बस ये थी बात। अब ध्यान दिए, एक चार से तो चार कैंसिल इस चार से, एक चार कैंसिल इस से काट दिए दो, तो x बराबर कितना मिला? दो। तो दो क्या है, एक बटा दो बचेगा दोस्तों, ये सी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे, कोई बात नहीं। कुछ व्यक्ति मान लिया कितने थे हमारे पास, x व्यक्ति थे 90 दिन में काम करेंगे, 15 व्यक्ति कम हो जाए x माइनस 15 कितने दिन अधिक लगेंगे आपके, 10 दिन यानी 100 दिन लगेंगे आपके, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 9x बराबर कितना हो गया, ये 10x माइनस के 150, इसे एक साइड में ले लोगे तो x बराबर कितना हुआ आपका 150, कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना रहा, 150 व्यक्ति थे। तो 150 व्यक्ति थे, ऑप्शन कौन सा रहा, बी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, क्या कहा गया है यहाँ ध्यान दीजिए, एक काम 100 दिन में पूरा हो सकता है, तथापि 10 कारीगर के अनुपस्थित होने के कारण काम 110 में पूरा हुआ, तो कारीगरों की संख्या कितनी है? तो कोई बात नहीं कर देते दोस्तों, एक मिनट, तो ये था दोस्तों, मान लिया एक्स बंदा इसे 100 दिन में काम कर सकते हैं, 10 के अनुपस्थित यानी एक्स माइनस 90 काम हुआ 110 दिन में, बस ये कहा गया, एक जीरो से जीरो काट दो, यहाँ पर 10x, यहाँ पर 11x, 11 × 99 990 इधर घटा दोगे, तो यानी x बराबर क्या मिला, 990 इससे काट दोगे तो, अच्छा 11, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ कहा गया, अब देख लेते हैं हुआ क्या। अच्छा 90 गलत लिख दिया, 10 अनुपस्थित थे दोस्तों, 10 होने की वजह से यहाँ पर हुआ था ये 110, कितना हुआ था ये 110 था दोस्तों, ये तो 110 आपका आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, एक मिनट में दोबारा ही कर देता हूँ। एक्स बंदे थे 100 दिन में किसी काम को कर सकते, 10 बंदे काम पर आए नहीं यानी एबसेंट रहे, और 110 दिन में काम ख़त्म हो, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 10x, 11x और माइनस के 110, इधर घटा दोगे माइनस के x बराबर 110, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना मिला आपका 110, ये आंसर रहा, बी ऑप्शन ठीक है आपका, ठीक है ना। चलिए दो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया थोड़ा ध्यान से देखिए, 76 महिलाएं कोई काम 33 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कारणवश कुछ महिलाएं काम पर नहीं आई और इसलिए यही काम 44 दिन में पूरा हुआ, तो काम पर नए आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी है, 76 महिलाएं 33 दिन में किसी काम को कर सकती हैं पर कुछ आई नहीं, तो यानी कितनी, सपोज करो कि एक काम कर, एक सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हुआ, 76 महिलाएं 33 दिन में इस काम को पूरा कर सकती हैं, यानी कुछ महिलाएं काम पर नहीं आई, तो एक्स महिलाएं सपोज काम पर नहीं आई, तो काम कितने दिन में हुआ, 44 दिन में पूरा, तो ठीक है, यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो 11 तीन 33, 11 चौक 44, ठीक है ना,
और ये हो गया 19 चौक 76, तो एक्स बराबर 57, तो एक्स बराबर कितना हो गया 57, है ना। अभी 57 है तो महिलाएं कितनी थी आपके पास 76, तो 76 में से इसे घटा दीजिए 57 को, तो कितना बच जाएगा 19 महिलाएं काम पर नहीं आई थी जिस वजह से समय ज़्यादा लगा, कितना 33 था तो अब लगा कितना 44 समय लगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। 24 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 24 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 2 दिन काम करने के, 24 व्यक्तियों के कार्य प्रारंभ करने के 2 दिन बाद चार व्यक्ति काम छोड़कर काम छोड़ दिया, बचे हुए शेष कार्यों को पूरा करने में कितने दिन अधिक लगेंगे। कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमारे पास कितने थे 24 व्यक्ति, तो वही ठेकेदारी वाला सिस्टम रह जाएगा, जैसे कि 15 दिन में पूरा करना तो 2 दिन बाद ही, तो 13 दिन आपके पास बचे हुए, आदमी चार और चले गए तो 20 बचे। अब 20 को कितने दिन में करेंगे ये लिख देंगे आप, तो 4 6 24 4 5 20, तो ये रहेगा एक्स बराबर कितना, यहाँ पर 13 6 78/5, तो 15 सही 3/5 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए ठीक रहेगा आपका ये। चलिए 20 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 20 व्यक्ति एक काम को कितने में कर सकते हैं 18 दिन में, ठीक है। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, कितने काम किया 3 दिन मिलकर, ये भी ठीक है। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, ठीक है, 5 आदमी शामिल हो गए, तो 20 आदमी एक काम, यानी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये देख लो, 3 दिन में उन्होंने काम किया, कितने दिन में कर सकते थे मैं 18 दिन में, अगर 3 दिन का काम देख लीजिए तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 3/18, तो मतलब 1/6 काम हुआ, तो बचा कितना हुआ 5/6 काम, बस ये करना था आपको, ठीक है ना। तो चलिए 20 व्यक्ति थे, देख लिया जाए तो 3 दिन बाद है, तो 3 दिन बाद जितने भी दिन बाद हो तो बस वही घटा देते हैं मेन में से लेना होगा, 15 लोग गए आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब 25 मिला, यानी 5 व्यक्ति उनके सामने शामिल हुए, तो एक्स बस अब इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इसे कैंसिल करने पर क्या मिल जाएगा, 5 × 15 है ना, 5 × 5 = 25, ये मिला 4, तो एक्स बराबर 12 मिला आंसर आपका, ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पे है 60 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी 16 दिन में कार्य आरंभ करने के 5 दिन बाद कुछ व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, यदि बचा हुआ का। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। कहा गया था 20 व्यक्ति थे और 5 दिन बाद यानी 11 बचा, कुछ आदमी नहीं आए, तो ये कितने दिन में 18 × 54, तो यानी 55/3, बस ये काम आपको करना था, सोल्व कर दीजिए, 11 × 55 और ये हुआ कितना 60 5 चौ, है ना 20, और ये हो गया कितना 4 × 12, कितना रहा है 12 मिला दोस्तों, यानी 12 व्यक्ति काम पर थे, इसका मतलब टोटल कितना 20, 12 नहीं थे तो कितने 8 बंदे जो थे काम पर कम थे, है ना, जिस व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। 16 पुरुष किसी काम को 49 दिन में कर सकते हैं,
16 पुरुष किसी काम को कितने में कर सकते हैं? 29 दिन में। 14 पुरुष ने कार्य आरंभ प्रारंभ किया और 8 दिन के बाद कार्य समाप्त कर दिया, कर देंगे। यदि बचे हुए कार्य को 24 दिन में समाप्त कराना हो तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो ठीक है, एक आदमी की निकाल लेते हैं, अगर एक आदमी का देख लिया जाए तो, है ना। तो कितना रहेगा अगर देखना चाहो तो, 14 पुरुष ने कार्य आरंभ करा, कितने बंदों ने? 14 पुरुष ने कार्य आरंभ करा, 8 दिन में देखा गया तो कितना हुआ? 1/7 ही काम हो पाया। ठीक है, अब बचे हुए एक्स बंदे 24 दिन में काम समाप्त करना चाह रहे तो कितना काम करोगे? 6/7। बस ये करना था दोस्तों आपको, 8 + 24, 3 × 6, तो एक्स बराबर कितना हुआ? 14 × 28। 28 ये था स्टार्टिंग में, 14 लगे तो उसने घटा दी थे, तो 14 बंदे थे जो, है ना, स्टार्टिंग में अगर देख ले जाए तो कितने थे? 14 बंदे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 1/7 कैसा मिला? 1/7 मिला दोस्तों, अगर देखना चाह रहे, एक बंदे का एक दिन का काम कितना है? 49। तो 16 दिन का काम देख लीजिए, पर देखना किसके अकॉर्डिंग? 14 बंदों के अकॉर्डिंग, 8 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये 1/7 मिल जाएगा, 7 × 14 ये हो गया 749, 8 × 16 200 ये भी कट जाएगा, तो 1/7 काम था ये। चलिए और देखते हैं दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और। यदि एक टैंक, ये टैंक होगा लिखा हुआ, को एक पन्ना टाइप करने में, सॉरी एक टंकन है ये तो दोस्तों, एक टंकन को पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट में वो पूरा पेज टाइप कर सकता है। दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर देख लिया जाए तो कर क्या रहा वो बंदा, वो एक जो पेज है पन्ना, मतलब एक पेज को 4 मिनट, ठीक है ना, और 1 घंटे में अगर देख लिया जाए तो 60/4, तो 15 पेज वो 1 घंटे में टाइप करेगा। अगर हमें देखने हैं कितने, 1080, तो 15 से भाग दे दो तो कितना मिल जाएगा? 72। यानी कितने कितने टंकनों की ज़रूरत होगी? 72 टंकनों की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में तो, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, है ना। करना क्या है देखिए थोड़ा सा। ए प्रिंट मशीन 8 घंटे में 1,00,000 पृष्ठ प्रति, यानी पृष्ठ प्रिंट करती है। एक अन्य बी मशीन 20 घंटों में इतने ही पृष्ठ करती है। दोनों मशीन सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाती हैं। मशीन बी को 2 घंटे बाद 12 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, तो 1,00,000 पृष्ठ तकरीबन कितने समय में हो जाएंगे? तो ठीक है, करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगर दोस्तों देखना चाहो तो स्टार्टिंग में हम उनके दोनों का मिलकर काम चेक कर लेते हैं, यानी 1/8, 1/20, तो यहाँ पर रह जाएगा 7/20, ठीक है ना। तो और 2 घंटे बाद बी बंद कर दी गई, है ना, तो ए के लिए तो ये हो गया टोटल, है ना, 2 घंटे का कार्य, तो 2 की गुना कर दीजिए, 2 × 7/20, तो कितना हो गया यहाँ पर? 14/20, ये भी गलत हुआ दोस्तों, गलत हो रहा है ये थोड़ा सा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ना एलसीएम गलत लिखा गया था, 1/8 + 1/20
और ये हो गया था 7/40। तो 2 घंटे का काम ये देख लिया, तो हो गया, ये हो गया था आपका 14/20। ठीक है ना, अगर ये 14/20 है, आपको करना है एक, यानी बी ने काम किया कितने 12 मिनट में, एक ये हो गया कितना हो गया, ये 1/40 मिल जाएगा आपको, 1/40। ठीक है, तो अब देख लिया जाए तो 9 बजे से और कितने बजे, 2 घंटे बाद, तो कितने समय में टोटल अगर देख लीजिए तो टोटल बनेगा आपका यहाँ पर कितना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक मिनट दोस्तों, यानी 5 घंटे 24 मिनट में कार्य समाप्त करने के लिए कितना होगा, एक तो 14/ फिर ये गलत लिख दिया, 14/40 था ये, 40 + 1/40 + फिर 14/40 और देख लीजिए 1/40 और प्लस ये सारा काम हमने निकाल दिया, तो टोटल कितना रह जाएगा, ये 37/40 काम हो चुका, कितना 37/40। तो शेष कितना बचा नेक्स्ट, यानी शेष बचा आपका 3/40। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। अभी शेष काम बचा आपके पास कितना, 3/40, ये तो आप देख चुके। तो 7/40 भाग 1 घंटे में होता है ना, तो 3/40 निकाल देंगे, 60 × 40/7 × कितना रहा आपका 3/40। इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी 40 से 40 तो कैंसिल, 180/7 बचा, 25.7 मिनट, 25.7 मिनट। ठीक है, तो कुल समय निकाल लेंगे, और 5 घंटे 24 मिनट का वो समय था ही पहले, 5 घंटे 24 मिनट और 25 मिनट तकरीबन ये जोड़ दीजिए, तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 5 घंटे 50 मिनट के आसपास ये लगेगा समय, 9 बजे प्रारंभ हुआ था तकरीबन, अभी ये 5 घंटे जोड़ दोगे तो तकरीबन 2 बजकर कितना 50 मिनट में ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो इतना समय लगेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस एक बार और देख लेना आपको ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी और लड़के, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 आदमी इनकी कर लेते हैं ना क्वेश्चन को, 3 आदमी सपोज ए टाइम में करते हैं और 4 आदमी सपोज बी टाइम में, और टोटल समय लिया 1/8। अब 6 आदमी हैं यही काम, 6 आदमी हैं, 8 बच्चे कितने दिन में, 2 दिन में अगर देख लिया जाए तो कितना होगा इनका, यानी डबल हो गया इसका, इसमें से ये कॉमन ले लीजिए, तो 3/A + 4/B इसकी वैल्यू रख लीजिए, 1/8 थी ना इसकी वैल्यू, तो 1/8 तो कितना रहा, 4 मिलेगा दोस्त, 1/4 यानी 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन में दिया तो गया नहीं था लेकिन कॉमन लेने के बाद हो गया ये क्वेश्चन, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी और 8 लड़के कोई बात नहीं, यहाँ पर 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर करना ये होगा आपको, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो निकालते हैं चलिए, 6 आदमी हैं 8 लड़के हैं 10 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को कितने में करते हैं, 2 दिन में, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी, ये तो मिला 5, तो 5 × 30 = 5 × 48 = 20, ये 26 और ये कितना बचा 48 = 20, इसे घटा दोगे तो ये तो बचा 4 और ये बचा 8 = 20, तो एक आदमी की क्षमता दुगनी है लड़के के, ठीक है ना, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपको मिली।
करना क्या है आपको, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बस अक्षमता याद रखनी है आपको कितनी थी। अब अगर देख लिया जाए तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर करना ये है दोस्तों। अब 15 आदमी और 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। जितने आज काम को 10 आदमी और 8 लड़के मिलकर 10 दिन में कर रहे थे। अक्षमता रख दीजिए दोस्तों इनकी, ठीक है ना। तो 15 × 2 प्लस के 20, यहाँ पर x, 6 × 2 प्लस के 8 और × 10, यहाँ पर कितना हो गया 50x, और यहाँ पर हो गया ये आपका 20 यानी 200। इससे से काट दोगे तो x बराबर 4 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। कितने में कर देंगे, 4 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है थोड़ा ध्यान से देखिए। 6 पुरुष व 3 लड़के, तो इनमें से एक पर काम कराना है। तो किसी कार्य को 6 पुरुष व 3 लड़के प्रतिदिन कार्य करके करते हैं। कार्य 1 पुरुष व 1 लड़का प्रतिदिन कार्य करने की अपेक्षा 5 गुना अधिक करता है। तो यहाँ पर 1 पुरुष और 1 लड़का उस कार्य की तुलना में कितने दिन में करेगा, तो जैसा कहा गया वैसा आपको करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहा गया आपको देखिए, 6 पुरुष थे 3 लड़के, ठीक है ना, और 5 गुना है किसकी, 1 पुरुष और 1 लड़के की क्षमता के हिसाब से। तो यहाँ पर 1 पुरुष बराबर कितना रहेगा, 2 लड़के आपके रहे। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल की जो एफिशिएंसी मिली, कितनी मिली मेल एंड मेल और सॉरी बच्चे की, तो 2:1 की एफिशिएंसी थी। तो 2:1 डी ऑप्शन आपका ठीक है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कहा, 4 आदमी और 3 औरतें किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 आदमी और 3 औरतें, ठीक है ना। देखिए 4 तो आदमी हैं 3 फीमेल है, कितने दिन में, 1/6 में। 5 आदमी और 7 फीमेल कितने में कर सकते हैं, 1/4 में। तो यहाँ पर सब सोल्व कर दोगे तो 1 आदमी 1 फीमेल की क्षमता यहाँ से निकल जाएगी। आदमी जब सोल्व करोगे तो m बराबर निकल जाएगा 5/156। इसी तरह से दोस्तों, और फीमेल की वैल्यू निकल जाएगी 2/156। तो टोटल अगर दोनों से कराना, 1 आदमी 1 फीमेल की तो मिली गई आपको क्षमता, तो 7/156 मिला। दोनों को ऐड कर दिया दोस्तों, यानी मेल और फीमेल को, यहाँ पे मेल फीमेल को ऐड करने के बाद ये मिला का आपका 22 सही, कितना, 2/7। तो ऑप्शन ए ही ठीक है आपका, ये रहा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा, 3 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कितनी महिलाएं 1 दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना 21 बच्चे करेंगे। तो जैसा कहा गया वैसा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए क्या कहा गया, स्टार्टिंग में 8 दिन में कितना, 3 तो पुरुष थे और 5 फीमेल थी, ठीक है। यही 12 दिन में इसी काम को करते हैं कितने, 2 मेल और 7 बच्चे, ऐसा कहा गया। तो सबको सोल्व कर दीजिए, 24m प्लस के 20, 8×5=40 होगा, 40m, ठीक है ना। और यहाँ पर 12×2=24m और ये होगा 1274,
ठीक है ना, बी, तो बी ये तो कैंसिल हो जाएगा। अभी से आप कैंसिल करोगे तो 10F बराबर कितना रहा, 21B। तो यहाँ पर 10 महिलाएं बराबर यानी कितने, 21 बच्चे, 21 बच्चे चाहिए तो ये हो गया सही। तो 10 महिलाएं कितना, तो 10 महिलाएं काम करेंगी। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, यहाँ पर क्या कहा गया, दो आदमी और तीन लड़के 10 दिन में एक काम को कर सकते हैं। दो आदमी, ठीक है ना, एक मिनट दोस्तों, ये था क्वेश्चन। दो आदमी और तीन लड़के किसी काम को कितने में कर सकते हैं, 10 दिन में। तो तीन आदमी और दो लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे मिला 4, तो कितना मिला यहाँ से, यहाँ तो 10M, यहाँ पे 15B, यहाँ पे 12M और यहाँ पे 8B। तो इधर तो 2M बचा, इधर बचा 7B, तो एम बटे बी की अक्षमता होगी 7/2, ऐसा कहा गया। अब एक काम और करना है दोस्तों, जो करना है उस बात को ध्यान दीजिए। देखो क्या कहा गया, दो आदमी और एक लड़का उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक्स दिन में करेंगे। किस काम को, जिस काम को दो आदमी और तीन लड़के 10 दिन में करते थे, कितने, 10 दिन में। तो इनकी अक्षमता वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए, है ना। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। ये वैल्यू जैसे ही पुट कर दोगे, चाहो तो आप यही रख दो, ये 7 × 2 = 14 और 2 × 14 = 2 कितने हुए, यहाँ पर 16x, और यहाँ पर 7 × 2 = 14, 14 × 3 कितने हुए, 17, और गुना 10 बचा हुआ आपका। तो ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग अब आपको करना है सोल्व, ठीक है ना। अभी इसे सोल्व कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये एक्स दिन आपके बच जाएंगे। इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर जो मिलेगा, वैसे तो दोस्तों यहाँ पे लिख कहा क्या गया, यहाँ पे कहा गया है, अब ये सोल्व करना बस दोस्तों आपको, और आंसर इसका तकरीबन क्या रहेगा, 12/2 ये, ठीक है ना। आंसर ये दिया गया है यहाँ पर, और ये हमने अलग से सोल्व किया। एक बार फिर देख लेते हैं, दो आदमी और तीन लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तीन आदमी और दो लड़के उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 5 × 2 = 10, ये 4, इसके अंदर गुना कर दोगे तो 10, ये 15, ये कितना था, ठीक है, यहाँ से ये तो बचा दो, दो आदमी और 7 लड़के, यहाँ पर 7/2 इनकी अक्षमता मिली, दो आदमी बराबर इतना। अब यहाँ पर कहा गया दो आदमी उस काम को कितने में, तो यहाँ एम की वैल्यू कितनी थी, दो आदमी और एक लड़का, ठीक है, तो यहाँ पर 2, 7, 14, अच्छा गलत हुआ दोस्तों, यहाँ पर ना, यहाँ तो हुआ 14, ये हुआ 15, कितना हुआ, 15, ठीक है। यहाँ पर फिर देख लीजिए, यहाँ पर ये 14 और 3 = 17, ठीक है, अब सही आ जाएगा, ये कितना आ गया, 5 × 15 और 5 × 10, यानी 34/17 × 34/3, तो ये आ जाएगा आंसर इसका तकरीबन, ठीक है ना। तो अब भी अगर देख लिया जाए तो 3/3 की अक्षमता, क्योंकि 3 वहाँ पे है नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा कहीं जो मिस हुए एक बार चेक कर लेना दोस्तों, तो ठीक आ जाएगा आपका आंसर जो भी होगी। अगर आपको प्रॉब्लम हुई फिर कमेंट के माध्यम से बता देना मुझे, मैं इसे सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। एक बार अगर देखना चाहो तो 7 × 2 = 14 और तो ठीक है दोस्तों, आप एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा कहीं गलती जो है हो रही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, 5 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 10 पुरुष व 15 महिलाएं इस कार्य को करें,
तो काम कितने समय में पूरा होगा, जैसा कहा गया वैसा आपको करना होगा, है ना। पांच पुरुष। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी, क्वेश्चन की। पांच पुरुष व 6 महिलाएं, है ना। तो अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो 10 पुरुष जो है, 10 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 10 मैन का एक दिन का काम रहेगा 1/15। इसी हिसाब से 15 फीमेल का कितना रहेगा, 15 फीमेल का एक दिन का काम रहेगा 1/12, ठीक है ना, 1/12। तो अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना रहेगा, 1/15 प्लस 1/12, तो 9 बटे कितना रहा, 60। और ये कैलकुलेट होने 3/20, तो आंसर रहेगा 6 सही 2/3। ये आंसर ठीक है आपका, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। यदि यहाँ पे क्या कहा, 30 पुरुष व 14 लड़कर मिलकर, एक मिनट दोस्तों, 30 पुरुष व 14 लड़के मिलकर किसी खेत को 21 दिन में जोत सकते हैं। ज्ञात कीजिए 20 पुरुष व 4 लड़के मिलकर इस खेत को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 पुरुष का कार्य इसके बराबर है। तो जैसा कहा गया वैसा ही करना है बस आपको, ठीक है ना। 1 पुरुष का अकॉर्डिंग अगर आप निकालना चाह रहे तो निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 पुरुष का कार्य कितना रह जाएगा यहाँ पे, यानी मेल फीमेल की अगर बात की जाए तो देखिए क्या कहा यहाँ पे, 3 पुरुष बराबर कितना है, 5 लड़के, ये कहा गया है ना। अब देखिए 30 पुरुष व 14 लड़के, एक मिनट, 14 लड़के कितने दिन में, 21 दिन में, और हमें बताना है 20 पुरुष और 4 लड़के कितने दिन में करेंगे। कोई बात नहीं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एम की वैल्यू कितनी है, 5, तो एम की वैल्यू कितनी है, 5, तो 150 तो ये रहा, है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए बस दोस्तों जल्दी, 5 और 14 गुना 3, है ना। यहाँ पे 21 लिखिए और यहाँ पे कितना है, 20 × 100, और यहाँ पे 4 × 12, और यहाँ पर लिख दीजिए एक्स। बस इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है आपको, ये हुआ 150 और 14 × 42, तो 192 तो मिला इधर दोस्तों, कितना मिला, 192, है ना। और गुना बचा 21 और बराबर यहाँ पर मिला 112 और गुना एक्स। बस जब इससे आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलने के बाद आपको तकरीबन आंसर मिलेगा कितना, यहाँ पर ये रहेगा 36 आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका कितना दोस्तों, 36। तो ठीक है ना, एक मिनट दोस्तों, इसे डिवाइड करने के बाद 36 मिला आपका आंसर। नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन हो रहा है, इसे भी देख लेते हैं। 6 महिलाएं अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 महिलाएं दोस्तों तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास बनाई जा रही है। 6 महिलाएं अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे अकेले यही काम 15 दिन में कर सकते हैं। तो कैसा जो कहा गया वो कर लेते हैं। 6 फीमेल थी, 10 दिन में काम करती हैं, कितने, 10 बच्चे हैं और 15 दिन में काम करते हैं, तो 10 से तो 10 कैंसिल, यहाँ पर हुआ 3 दुनी और 3 × 5 = 15, तो ये क्षमता मिली यहाँ पे। तो बताना है आपको 6 फीमेल तो करती थी उसी काम को 10 दिन में, फीमेल सॉरी एक मिनट ये मेल लिखा गया दोस्तों, 10 दिन में, और आपको बताना है कितना, अब 6 महिला और 10 बच्चे किस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स। तो यहाँ पे 6 गुना एफ की वैल्यू अगर आप रखोगे तो एफ की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे एफ की वैल्यू मिली 5 × 10, यहाँ पे हुआ सॉरी फीमेल था ये 30, और 30 कितना हो गया दोस्तों, 60 × x,
तो अगर आप यहाँ पे सारा कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यानी ये कितना हुआ था, 5 × 6 = 30 और बच्चे की थी 3, तो ठीक है 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो तकरीबन 5 आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, कितना रहेगा, 5 आंसर रहेगा आपका। तो एक सूचना थी दोस्तों आपके लिए, सूचना क्या है, हमारे चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास पर डे अवेलेबल रहती है। तो करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन से हैं करंट अफेयर्स, 2 भाषाओं में आपको प्रोवाइड कराई जा जाती है। एक तो 4 AM पर, ठीक है, एक होती है दोस्तों आपकी 5 AM पर। तो 2 भाषाओं में है, जो सी भी भाषा है आपको ठीक लगती है, जिससे भी आपने पढ़ाई की हो, तो उस भाषा का यूज करके आप करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम से परेशान नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स की समस्या दूर। तो दोस्तों मैं संजीव तोमर इसी के साथ एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। कब तक दोस्तों, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।